मेम साहब, मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी है, अब मैं अपने घर जाऊँ। पहले इस बच्चे को संभाल। और हाँ, आज ना मैं मूवी देखने जा रही हूँ, और जब तक मैं मूवी देख के आ नहीं जाती ना, हिलनी नहीं चाहिए तो यहाँ से। वो सब तो ठीक है मेम साहब, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर पे आज रिश्तेदार आने वाले हैं, और आज तो मैंने आपसे छुट्टी भी मांगी थी, लेकिन आपने मुझसे छुट्टी वाले दिन भी काम करवा लिया। मेम साहब मुझे जाने दीजिए ना आज। ओ हेलो, तुम मुझसे सवाल लड़ा रही है? तुम जैसे लोगों को ना तुम्हारी औकात बताना ना बहुत ज़रूरी है। मेम साहब मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, मेरी बहन को देखने वाले आ रहे हैं आज। मेम साहब हमारे माँ बाप नहीं है, मेरा और मेरी बहन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मैं आज टाइम से नहीं गई ना, तो मेरी बहन का रिश्ता टूट जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत की तो मुझसे मना लड़ा रही है? ज्यादा बकवास करेगी ना तो तेरी सैली काट लूंगी। मेम साहब मैंने आपसे पहले ही बोला था, आज मेरी बहन का रिश्ता है, अगर मैं नहीं गई तो वो टूट जाएगा। मेम साहब मैंने आपसे छुट्टी भी मांगी थी, लेकिन आपने नहीं दी। मेम साहब प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। हाँ तो मैं क्या करूँ? मेम साहब आज के दिन तो आपसे छुट्टी मांगी थी ना, आपने छुट्टी वाले दिन भी मुझसे काम करवाया। हाँ तो तेरी बहन की शादी कैंसिल होगी तो फिर मैं क्या करूँ? तुझे तो काम करने का पैसा देती हूँ ना मैं, तो जाके काम कर। मेम साहब मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ काम के लिए, लेकिन आप भी तो समझिए ना कि मेरा जाना कितना जरूरी है। हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें, बाकी लोग भी तो काम करते हैं ना, आते हैं ना काम करने, तो जाके काम कर। मेम साहब मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, मुझे 2 घंटे के लिए जाने दीजिए, मैं 2 घंटे में काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। मेम साहब और वैसे भी आज के दिन तो छुट्टी मांगी थी आपसे, आपने वो भी नहीं दी, 2 घंटे के लिए तो जाने दीजिए ना मेम साहब। 2 घंटे क्या, मैं तो तुझे 2 मिनट के लिए ना जाने दूं, और हिलनी नहीं चाहिए तू यहाँ से जब तक मैं मूवी देख के नहीं आ जाती। चुपचाप से ना मेरे बच्चे को संभाल। पर मेम साहब। परवर क्या, तेरी बहन की शादी टूटेगी ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुझे तो काम करने की सैलरी देती हूँ ना मैं, तो चुपचाप से काम करना और बच्चे को संभाल। मेम साहब आप मुझे हमेशा ऐसे ही परेशान करती हो, मैं तो आपके घर में साफ सफाई करने के लिए हूँ ना, आप मुझसे अपने ऑफिस का काम, अपने बच्चे का काम सब कुछ करवाती हो, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन मेम साहब मुझे आज जाने दीजिए, मेरी बहन की शादी का सवाल है। ज्यादा बकवास करेगी ना तो तेरी सैलरी काट लूंगी, और कोई काम नहीं देगा तुझे, धर धर भटकी हो फिर। नहीं मेम साहब ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ। ठीक है। एक्चुअली सर मुझे 1 वीक के लिए ऑफ चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन में अप्रूवल की नीड है। 1 वीक का ऑफ, वो किस लिए? सर एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, मेरी सिस्टर मंजू की शादी है, तो उसी के लिए ऑफ चाहिए था। सर आपको याद होगा मैंने आपको कार्ड भी भिजवाया था, सर आप भी आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी मैं शादी में नहीं आ सकता। लेकिन क्यों सर? क्योंकि मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, और तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी तुम शादी में नहीं जाओगी, और इसलिए तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा और ऑफिस से काम करना पड़ेगा। लेकिन सर मेरी बहन की शादी है, और ये मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितनी मेरे लिए जॉब है। तुम्हें छुट्टी इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने ये सब ना अपनी मेड के साथ भी किया था ना, तुम्हें पता था ना तुम्हारी मेड के घर पे उसकी बहन के रिश्ते वाले आ रखे हैं, और तुमने उसको छुट्टी वाला दिन अपने घर बुलाया, काम करवाया, और छुट्टी भी नहीं दी, और बदतमीजी भी की। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या किसी के साथ ऐसा गंदा बिहेव करते हुए, किसी को इंसल्ट करते हुए, किसी को नीचा दिखाते हुए? सॉरी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन सर उस दिन तो उसकी बहन की शादी थी ना, इसमें उसका क्या काम? हाँ सही कहा तुमने, उसकी बहन की शादी थी और तुम्हारी बहन की शादी है, तो तुम्हारा क्या काम? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बहन की शादी है, और तुम्हें अगर तुम्हारी बहन की शादी में जाना है तो नौकरी छोड़ दो, घर बैठो। नहीं सर मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरी बहन की शादी। अब तुम यही सोच रहे होगे ना ये सब मुझे कैसे पता चला? मैं बताता हूँ तुम्हें, जो तुम्हारी मेड है ना उसके पति हमारे यहाँ पे ड्राइवर है, और जो मेड है ना वो सुसाइड करने वाली थी। तुम्हें पता है उस नौकरानी ने, उस ड्राइवर ने अपनी बहन के लिए पाई पाई करके शादी के लिए पैसे जोड़े थे, और तुम्हारी वजह से उसकी बहन का रिश्ता कैंसिल हो गया। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें तो अच्छा लगता है ना दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना, तुम्हें तो इन बातों को बुरा ही नहीं लगा होगा ना, तुम्हें तो मजा आया होगा क्योंकि तुम हो ही बदतमीज, और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ये संस्कार दिए होंगे ना तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स ने ना तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते तो तुम ऐसी ना होती। तुम्हें ना तुम्हारी गलती की सजा मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुमने क्या गलती की है। वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत सिर्फ तुम्हारे लिए ही है क्योंकि तुमने ही ऐसा काम किया है, और तुम्हें छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो नौकरी छोड़ो, घर बैठो, मनाओ छुट्टियां। लेकिन सर ये तो छोटी सी गलती हुई ना। क्या छोटी सी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है, और जब तक तुम्हें ना इस गलती की सजा नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम रियली सो सॉरी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? और वैसे भी तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की ना मेरी कंपनी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
हमारी कंपनी को ना ईमानदार और समझदार एम्प्लॉय की जरूरत है, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की नहीं। एक काम करो, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। नो सर, प्लीज, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद ना ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोच लेना। निकल जाओ, गेट लॉस्ट। यस सर। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ना हमने आप सबको ये समझाने की कोशिश की है कि किसी की ना डिसरिस्पेक्ट मत करो, किसी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि ना हर कोई एक सम्मान है, सब इक्वल्स हैं। तो हमारी सोसाइटी में लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे को ये मानते हैं कि तुम छोटा काम करते हो, तुम बड़ा काम करते हो, उनकी इज्जत नहीं करते। तो ऐसा मत करो, सबकी इज्जत करो, सबको एक सम्मान मानो। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सब इंसान हैं। वीडियो जितना उसके ना अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको दिखाओ, हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेज करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक राम राम।